10,000 साल पुराना एक ऐसा सुपर फूड जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वेट लॉस के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है। उसकी एक अमेजिंग सी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए लेके आई हूं बार्ले यानी कि जौ की रोटी की रेसिपी। ये 10,000 साल पुराना एक ग्रेन है जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है फॉर वेट लॉस। और अगर इसकी हम रोटी बनाएंगे तो सोचिए वो कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगी, क्योंकि रोटी तो हम सबके घरों में खाई जाती है और हम रोज़ ही खाते हैं। क्यों ना हम उसको एक बहुत ही हेल्दी ग्रेन के साथ बनाएं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है फॉर वेट लॉस और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है। बार्ले की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा अमेजिंग होता है उसमें से सिलेनियम, जो कि थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर होता है कॉपर, क्रोमियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग सा ग्रेन है। ये हाई इन फाइबर होता है तो कॉन्स्टिपेशन के केसेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है, और अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो इसको ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं लिग्निंस, जो हमें हार्ट डिजीजेज नहीं आने देते और हमें कैंसर से भी बचाते हैं। हाई फाइबर होता है तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देता। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपके बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालता है, और क्योंकि हाई फाइबर होता है आपको बहुत देर तक फुल रखता है, सेशिएटेड रखता है, वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में और देखते हैं कि मैं अपनी जौ यानी कि बार्ले की रोटी किस तरीके से बनाती हूँ। हम बना रहे हैं अपनी जौ यानी कि बार्ले की रोटी, और मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 कप बॉइलिंग हॉट वाटर, बिल्कुल गर्म पानी हमें यहाँ पर लेना है 1/2 कप। अब 1/2 कप जौ यानी कि बार्ले का आटा ले लिया है मैंने। 2 रोटी बनाएंगे हम, इसको हम बोल में डाल देंगे और पानी के साथ हमें इसे मिक्स करना है। अब एक स्पून की हेल्प से हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आटा बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और मिक्स कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमको। आटा हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको एक लिड से हम कवर कर देंगे और अराउंड 30 मिनट्स के लिए इसे हम छोड़ देंगे। आफ्टर 30 मिनट्स हम चेक कर लेते हैं। आटे ने बहुत अच्छे से पानी को सोक कर लिया है और हमारा जो डो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, रेडी हो गया है रोटी बनाने के लिए। और अब ये ठंडा भी हो गया है तो इसको हाथ से हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि ये जो डो है वो बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए और जो हमारी रोटी है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बने। तो अराउंड 2-3 मिनट तक हमें इसको नीड करना है, और अब हमारा डो बिल्कुल रेडी है रोटी प्रिपेयर करने के लिए। अब नॉर्मल रोटी की तरह हम अपनी जौ की रोटी को भी बेल लेंगे। एक पेड़ा हमने बना लिया है, थोड़ा सा ड्राई फ्लावर हमें इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है दोनों साइड्स के ऊपर, और बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह हमें इसे बेल लेना है दोनों साइड से। बहुत केयरफुली हमें इसको करना है ताकि ये ब्रेक ना हो, और इसको बहुत ज़्यादा पतला हमने नहीं करना। जितना ईजिली हम इसको बेल सकते हैं, जितना पतला कर सकते हैं, उतना ही करना है। अब एक लिड की हेल्प से हम इसको एक बहुत अच्छी सी राउंड शेप दे देंगे। अब जो भी हमारा एक्सेस आटा है उसको हम हटा देंगे और हमारी बहुत ब्यूटीफुल सी राउंड रोटी बनके रेडी है। इसको बस हमें कुक करना है, तवे के ऊपर सेकना है। अब एक तवे को बहुत अच्छे से हमने हीट कर लिया है और अपनी जौ की रोटी हम सेक लेंगे। अब रोटी को हम फ्लिप कर देंगे, दूसरे साइड से भी कुक कर लेंगे। रोटी को प्रेस करके बहुत अच्छे से दोनों साइड से हम कुक कर लेंगे। रोटी हमारी दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको सर्व कर देते हैं एक प्लेट में। 1 टीस्पून मेल्टेड घी हम रोटी के ऊपर लगाएंगे, और ऐसी 1 या 2 रोटी आप अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ले सकते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको अपने डिनर में भी ले सकते हैं। बहुत देर तक आपको फुल रखेगी, वेट लॉस के लिए बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। इसको खाकर अगर आप वेट लॉस करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और अमेजिंग वेट लॉस भी देगी आपको। तो ये है हमारी अमेजिंग सी बार्ले या फिर जौ की रोटी।
आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ले सकते हैं। अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो इसको अपने डिनर में भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है फॉर वेट लॉस। आप इसको ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में और फिर देखिए ये कितना मैजिकली वर्क करती है आपके ऊपर और अमेजिंग वेट लॉस करने में आपको हेल्प करेगी और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देगी आपको। तो अगर आज की मेरी रेसिपी, आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहती हूँ जो आपको देती है गुड हेल्थ और अमेजिंग वेट लॉस। और लेकर आती हूँ बहुत सारे डाइट प्लान्स जो आपके वेट लॉस के लिए भी अच्छे होते हैं और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल गाइज। बाय फॉर नाउ।